Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. पूर्णिया में श्रम संसाधन विभाग और चाइल्ड लाइन के द्वारा संयुक्त छापेमारी, एक बाल श्रमिक को कराया गया मुक्त। पूर्णिया के केहाट थाना क्षेत्र के गिरजा चौक स्थित चर्च गेट के सामने एक घर से एक वर्ष से काम कर रहे एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। हम आपको बता दें कि चाइल्ड लाइन और श्रम संसाधन विभाग को शिकायत मिलने पर संयुक्त रूप से गिरजा चौक पर घर में छापेमारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार गिरजा चौक पर प्रखंड साधन सेवी विनोद कुमार सिंह पिता राम बच्चन सिंह के घर में 13 वर्षीय नाबालिग से पिछले एक वर्ष से काम करवाया जा रहा था। इस मामले को लेकर श्रम प्रवर्तन अधिकारी और जिला धावा बल के द्वारा बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें रंगे हाथ बच्चे को काम करते पाया गया। उन्होंने बताया कि घर में काम कराने वाले गृह स्वामी के ऊपर बाल श्रम अधिनियम के तहत 20,000 जुर्माना और 6 माह के लिए जेल के अभियोजन दायर किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। मुक्त कराए गए बच्चे ने बताया कि सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम करवाया जाता था। काम नहीं करने पर डरा धमका कर मारपीट भी की जाती थी, कभी तो भूखे भी रखा जाता था। फिलहाल बच्चे को बाल कल्याण समिति में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी लाया गया चौक चर्च गेट के सामने श्रीमती सुनीता सिंह का मकान है, वहीं पर जो है चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा एक शिकायत जो है भेजी गई थी श्रम अधीक्षक कार्यालय में। श्रम अधीक्षक महोदय का आज विदेश हुआ, जिला धावा दल के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन की सहायता से और केहाट थाना के थानादार से आवेदन देके पुलिस बल की सहायता से उनके घर से एक 13 वर्ष का बाल श्रमिक बच्चा वरुण कुमार, पिता का नाम है उपेंद्र मरांडी, चंपानगर के आसपास का रहने वाला है, वहीं का कार्यरत अवस्था में घरेलू नौकर के रूप में इसको किनके काम कर रहा था। ये सुनीता सिंह है और राम बच्चन सिंह लिखा हुआ है। तो कोई विनोद सिंह का नाम आ रहा था? विनोद सिंह नहीं, विनोद सिंह के क्या नाम है आपको? अनिल सिंह आ रहा है। अच्छा। गिरी स्वामिनी का नाम है सुनीता देवी, उनके हस्बैंड का नाम है अनिल सिंह और घर के आगे जो लगा हुआ है उसमें श्री राम बच्चन सिंह लिखा हुआ है, वो सर्वे हो गए। तो जिनके यहाँ काम कर रहा था उस पर क्या सुनीता से मामला भी दर्ज होगा? जी जिनके यहाँ काम किया, जिनके यहाँ काम करे तो उसमें बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो है मामला हम लोग करेंगे, एफआईआर करेंगे। और बच्चे के लिए आगे बच्चे के लिए मुख्यमंत्री सहायता पुनर्वास कोष से 25,000 रुपया की राशि अधियाचना करके उसके अकाउंट में डाला जाएगा। जब वो 18 वर्ष का हो जाता है तब वो बच्चा उसको राशि मिलती है, उसके बाद तत्काल जो सहायता उसको राशन पानी होता है वो भी हमारे विभाग के द्वारा दिया जाता है, लगभग 3,000 रुपया स्कूल के ड्रेस के लिए और 1 महीने के राशन वो भी दिया जाएगा बच्चे को। फिलहाल यही CWC में उसको सपोर्ट किया गया है, यहाँ से उसके गार्जियन उसको आधार कार्ड के आधार पर यहाँ से ले जाएंगे, उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो होगी। परिचय सर अपना, आपका परिचय सर? मेरा परिचय, मेरा नाम सुनील कुमार झा हुआ।